तो दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 23, 2019 और डे है वेनसडे। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को, बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ एरर चल रहे हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए मैंने यूट्यूब के जो टेक्निकल टीम है उनसे बात भी करी है, मेल भी किया है, और वो कह रहे हैं कि एक दो दिन में जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो जब तक उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखेंगे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं कि आज का सवाल क्या है आप लोगों के लिए। और अब जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर होगा वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की एंड में भी मैं आपको दे दूंगा, और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको मेरी कम्युनिटी टैब के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे जो सवाल है वो है इंडिया और UNHCR से रिलेट करते हुए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है, ऑल्दो इंडिया हैज नॉट साइन द 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। इंडिया ने 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज साइन नहीं किया है एंड नॉर इट्स प्रोटोकॉल, बट UNHCR हैज बीन अलाउड टू वर्क इन इंडिया सिंस 1981। फिर भी 1981 से यहाँ पर UNHCR का जो ऑफिस है वो इंडिया के अंदर खुला हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट है, इंडिया डज नॉट हैव अ लीगल फ्रेमवर्क एंड नेशनल रिफ्यूजी स्टेटस डिटरमाइनिंग द सिस्टम। ओके, इंडिया के पास अभी कोई भी यहाँ पे कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, नेशनल रिफ्यूजी स्टेटस डिटरमिनेशन सिस्टम नहीं है, और एज अ रिजल्ट UNHCR प्रोसेसेस क्लेम फॉर रिफ्यूजी स्टेटस इन इंडिया। तीसरी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पॉलिसी है रिफ्यूजी को लेकर वो ये है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं, वेदर दोज इट प्रोटेक्ट्स और दोज अंडर द UNHCR मैंडेट आर अलाउड टू परमानेंट रिफ्यूज इन इंडिया एक्सेप्ट दोज फ्रॉम एनिमी कंट्री। जो एनिमी कंट्री है उनके अलावा हम सबको अलाउ कर देते हैं कि वो हमारे देश में आके एज अ रिफ्यूजी रह सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली, या D, ऑल ऑफ द अबव। और जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ। तो पेज नंबर 1 पे आपको जो आज एक ब्यूटीफुल न्यूज मिलती है वो है सबरीमाला रिव्यूज हियरिंग अवेट्स जस्टिस मल्होत्रास रिटर्न। तो यहाँ पे जस्टिस मल्होत्रा, मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंदु मल्होत्रा जी की, और इंदु मल्होत्रा जी बहुत ही फेमस जज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबरीमाला वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंदु मल्होत्रा जी ने अपना जो डिसेंट है वो पेश किया था, वो यहाँ पे वर्डिक्ट से अलग गई। देखो, सबरीमाला वर्डिक्ट एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे सेप्टेम्बर के अंदर देखा था कि यहाँ पे एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसने यहाँ पे 4:1 के मेजॉरिटी डिसीजन से इस चीज को सामने रखा कि सबरीमाला टेंपल के अंदर जो महिलाएं 10 to 50 years के बीच में हैं, जो कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल एज के अंदर हैं, उनका जो जाना मना किया हुआ है वो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है। इस चीज को सामने रखा सुप्रीम कोर्ट ने और अलाउ कर दिया यहाँ पे कि सबरीमाला टेंपल के अंदर अब महिलाएं जा सकती हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। उसके ऊपर केस चलते चले गए, काफी रिव्यू पिटीशन भी आई। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने उन रिव्यू पिटीशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद बहुत अच्छे खासे बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिले, खासकर केरला के अंदर, और वहां पे जो डिवोटीज आते थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और यहाँ पे महिलाओं को अलाउ नहीं किया टेंपल के प्रमाइसिस के अंदर घुसने से। यहाँ पे 50 से ज़्यादा यहाँ पे रिव्यू पिटीशन आई थी कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फिर से सोचे विचारे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल जाके यहाँ पे बोल दिया था कि हाँ, हम उसके ऊपर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो जजेस हैं उनके डिमांड हो रही है, उनके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो रिव्यू पिटीशन लगाई है जिन लोगों ने, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रिव्यू पिटीशन है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। बट यहाँ पे जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी अभी यहाँ पे लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से, इसलिए यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी, उन्होंने बोला कि रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुनवाई होगी बट अभी जनवरी के अंदर सुनवाई नहीं हो पाएगी। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जिस समय सबरीमाला वर्डिक्ट आया था उस समय पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो दीपक मिश्रा जी थे,
तो आपको ये सब सब चीज़ें अंदाज़ा होना चाहिए कि किस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। और यहाँ पे जो 50 रिव्यू पटिशन है उनके ऊपर सुनवाई होगी और फिर देखा जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब जस्टिस मल्होत्रा जी के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक लोन डिसेंट वाली जज थी, जो पाँच जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, इकलौती यहाँ पे जस्टिस मल्होत्रा ऐसी थी जिन्होंने बोला था कि यहाँ पे वो सबरीमाला जो वर्डिक्ट है उसके खिलाफ है, उनका जो कहीं ना कहीं जो चीज़ वो उनके खिलाफ है। और उन्होंने बोला था कि इट सेड दैट द बार अमाउंटेड टू ट्रीटिंग विमेन एज अ चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, तो ऐसा यहां पे बोला था। बट यहां पे जस्टिस मल्होत्रा जी ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि यहां पे जो रिलीजियस चीजें हैं उनको हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉ वाली चीजों से अलग रखना चाहिए। साथ ही जस्टिस मल्होत्रा हैड डिक्लेयर्ड कि जो प्रोहिबिशन है ऑन विमेन एज बिटवीन 10 to 50 इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे उसको एसेंशियल प्रैक्टिस बोला था इंदु मल्होत्रा जी ने। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोर्ट जिस चीज़ को यहाँ पे मोरालिटी की बात करती है, रिलीजन की बात करती है, वो अगर यहाँ पे इम्पोज करी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों के पास अधिकार है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, ओके, अपने अपने फेथ को यहाँ पे बिलीफ को प्रैक्टिस करने का, ये सारी की सारी उस चीज़ों के खिलाफ जा रही हैं। तो जस्टिस मल्होत्रा जी की जो यहाँ पे बातें थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। आपको यहाँ पे हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों चीज़ें पता होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो रिव्यू पिटीशन थी वो बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने डाली, यहाँ पे फ्रॉम सबरीमाला टेम्पल चीफ प्रीस्ट टू इंडिविजुअल्स एंड अयप्पा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यहाँ पे कुछ विमेन डिवोटीज बॉडीज भी थे। और यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये कुछ लोगों की डिमांड हो रही है कि महिलाएं तो पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे महिलाएं कैसे इस केस का पार्ट हो गई। तो कुछ लोग इस तरीके की भी यहाँ पे डिसीजन सामने रख रहे हैं। दे कंटेंडेड दैट रिफॉर्म कैन नॉट मेंड रेंडरिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस आउट ऑफ एक्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीआईएल पिटीशन फाइल्ड बाय थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी अगर यहाँ पे डाल रही है केस, उनके बेसिस पे यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कर्ब नहीं किया जाना था, ऐसा यहाँ पे रिव्यू पिटीशन के अंदर कहना है। साथ ही यहाँ पे जस्टिस मल्होत्रा के रैशनल की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि द कोर्ट शुड नॉट अलाउ द इंटरलोपर्स, मतलब जो यहाँ पे तीसरी पार्टी होती हैं जिनका कोई भी कंसर्न नहीं होता केस से, बट उसके बावजूद भी वो पीआईएल पिटीशन फाइल कर देते हैं, कि यहाँ पे उन जस्टिस मल्होत्रा जी का यहाँ पे ये रैशनल था, ये यहाँ पे उनका एक ब्रेन कह रहा था कि जो कोर्ट है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए किन्हीं भी इंटरलोपर्स को, जो कि बीच के लोग हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है, टू फाइल द पीआईएल पिटीशन चैलेंजिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस इन अ कॉमन थ्रेड इन अ रिव्यू पिटीशन। साथ ही जो रिव्यू पिटिशनर्स हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट मस्ट बी रिजर्व फॉर दोज हुज पर्सनल राइट टू वर्शिप हैव बीन वायलेटेड, यहाँ पे उन्हीं लोगों को अलाउ करना चाहिए जिनका पर्सनल राइट टू वर्शिप वायलेट हुआ है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि महिलाएं जब यहाँ पे पार्ट ही नहीं थी इस पर्टिकुलर बिलीफ फेथ का, तो उनके अधिकारों के लिए कैसे बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो रिव्यू पिटीशन के अंदर आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यू पिटीशन क्या होता है और रिव्यू पिटीशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, ये हमारे पॉलिटी का पार्ट है। तो लक्ष्मीकांत के अंदर भी आप जब चैप्टर पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट वाला, उसके अंदर भी आपको ये वाला सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ओके। तो इन सब चीजों से समझना जरूरी है और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी पर्टिकुलर चीज से बनेगा। तो ये वाला जो पेज है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आया है बाकी कई दिनों में। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो फिलॉसफी है यहां पे रिव्यू जुरिसडिक्शन की, वो एक्सप्लेन की थी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एआर अंटुले जजमेंट के अंदर। कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले एडमिट किया दैट इट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है पर वो इनफेलिएबल नहीं है, ह्यूमन है सारे लोग, तो उनसे क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, टू एर इज ह्यूमन। देखो मैं हूँ, आप हूँ या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, सब इंसान हैं, सबसे यहाँ पे गलती हो सकती है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस वजह से वो फिर से रिव्यू कर सकते हैं जिससे वो अपनी गलतियाँ सुधार सकें। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 137 प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, ओके याद रखना कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 137। साथ ही आर्टिकल नंबर 137 ये कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाता है कि ग्राउंड ऑफ रिव्यू क्या होना चाहिए, हाउएवर दीज मे बी लिमिटेड बाय लेजिस्लेशन एंड रूल्स मेड बाय the review petitions or made by someone else। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। साथ ही रिव्यू इज अ रेयर रेमिडी, बहुत ही कम बार हम लोगों को यहाँ पे रिव्यू पिटीशन फाइनलाइज होती हुई नजर आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपेक्स कोर्ट रिव्यू तभी लेती है जब बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा था कि
ग्रीन व्यू टी वाले केस के अंदर, ठीक है। तो द फाइनलिटी ऑफ एन एपेक्स कोर्ट ऑर्डर शुड नॉट बी लाइटली अनसेटल्ड। ऐसा नहीं है कि जब रिव्यू पिटिशन जा रही है, एक नया यहाँ पे वर्डिक्ट आएगा तो उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे रेयर होता है कि यहाँ पे रिव्यू पिटिशन फाइल की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, उसको यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे सबरीमाला केस के अंदर हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही रिव्यू प्ली आर डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन इन जजेस चैम्बर्स। तो यहाँ पे रिव्यू पिटिशन इस तरीके से डिसाइड होती है। साथ ही रिव्यू इज नॉट एन अपील इन डिसगाइज। एक रिव्यू ऐसी, रिव्यू कोई भी अपील इन डिसगाइज नहीं होती है, वेयर बाय एन एरोनस डिसीजन इज अनहर्ड एंड करेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि कोई और चीज जो रिव्यू पिटीशन जिस चीज पे डली है उसके अलावा और भी कोई और चीज आ जाती है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। जो यहां पे केस हुआ है उसी के सारे जो तथ्य होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही यहां पे रिव्यू पिटीशन का ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ में माना जाता है कि रिव्यू पिटीशन किस लिए हो रही है, क्योंकि जो एरर हो गया है उसको करेक्ट करने के लिए। साथ ही एरर मस्ट बी ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, नॉट वन विच हैज टू बी सर्च्ड। ये बोला था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती के। साथ ही जो रिव्यू पिटीशन होती है अगर वो यहाँ पे थर्ड पार्टी से फाइनलाइज होती है, थर्ड पार्टी आती है, इट इज़ नॉट मेंटेनेबल। ऐसा यहाँ पे सतवीर सिंह और बलदेवा केस के अंदर यहाँ पे बोला गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको रिव्यू पिटीशन के बारे में पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खासकर आर्टिकल नंबर 137, ओके, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी चीज़ों को रिव्यू कर सकती है, ये चीज़ आप लोग अभी के अभी याद कर लो, अभी के अभी इन चीज़ों को रट लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है, इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड इन अ सोलर ग्रिड सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय हैं प्रवासी भारतीय दिवस के इवेंट में, और वहाँ पर इन्होंने बात करी है कि इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड ऑन सोलर ग्रिड। अब सोलर ग्रिड के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो हमारी ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपके साथ कवर करता हूँ, पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स, फिर उसके बाद आज की न्यूज़ पे चलेंगे। तो सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे देश के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9th of January को सेलिब्रेट करते हैं। और 9th of January को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जब 1915 के अंदर हमारे देश के बापू, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी यहाँ पर साउथ अफ्रीका से मुंबई में लैंड हुए थे। तो हम लोग मानते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे जो NRI थे, जो कि हमारे देश में वापस आ गए, वो यहाँ पे हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। तो उन्हीं के ही याद में जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका क्या रोल है हमारे देश की डेवलपमेंट में, और वो आगे आने वाले टाइम में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे 9th of January को हर साल सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2000 के अंदर, और इसको स्पॉन्सर करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ में जो फिक्की होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होती है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री होती है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 2000 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, पर इसकी जो इवेंट है वो होना यहाँ पे 2003 से चालू हुआ था, ओके। उसके बाद 2015 तक हम लोगों ने देखा ये एक एनुअल इवेंट था, मतलब हर साल होता था। 2015 के बाद ये एक एनुअल इवेंट हो गया है, मतलब यहां पे कि ये जो अब इवेंट है 2015 के बाद ये अब 2 साल में एक बार ही यहां पे कंडक्ट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो इस अब वाला जो हो रहा है 2019 वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसकी डेट 9th of January नहीं है, उसकी डेट हम लोगों ने शिफ्ट कर दी थी 21st to 23rd of January कर दी थी, क्योंकि हम लोगों को इसको कोइंसाइड करना था हमारे कुंभ मेले के साथ जो कि इस समय प्रयागराज के अंदर चल रहा है, एज वेल एज हमारा जो यहाँ पे रिपब्लिक डे है उसके साथ भी हम लोगों को कोइंसाइड करना था। इस वजह से जो 2019 वाला जो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि इन नंबर 15 प्रवासी भारतीय दिवस है उसको हम लोगों ने डेट से शिफ्ट कर दिया था। यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशियस के प्रविंद जगनाथ, ओके, वो चीफ गेस्ट हैं इस बारी हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के। एक चीज़ और जो अगर प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन बनेगा जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है कि प्रवासी भारतीय दिवस बनाने की रिकमेंडेशन किसी ना किसी कमेटी ने तो दी होगी, तो वो जो कमेटी थी उस समय यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने यहाँ पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया ऑन इंडियन डायस्पोरा जिसको यहाँ पर चेयर कर रहे थे LM सिंघवी जी, ओके। तो इनका नाम याद रखना, LM सिंघवी जी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि एक चीज़ जब मैं आपको लोकपाल के बारे में पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि जो लोकपाल की जो टर्म है वो भी सबसे पहले LM सिंघवी जी ने ही दी थी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपको एक और ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है आज के न्यूज़पेपर में, कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे। अब एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 15th प्रवासी भारतीय दिवस, डेट लिखी है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, वाराणसी के अंदर ये हो रहा है इस समय। और यहाँ पे लिखा है कि इस बार का जो थीम है वो कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे क्या, वो है यहाँ पे थीम द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बात कर रहे हैं कि 2022 में हम लोग न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, कि जिसके अंदर इंडिया करप्शन फ्री होगा, कोई भी फिल्थ नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे क्राइम नहीं होगा, बाकी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं न्यू इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे क्या है थीम, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। साथ ही यहाँ पे जो सेरेमनी हो रही है उसका भी यहाँ पे थीम है द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली वासुदेव कुटुंबकम। जैसे मैं और आप स्टडी आईएएस फैमिली का पार्ट हैं, ओके, तो वी आर आल्सो वासुदेव कुटुंबकम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आज की जो खबर है वो है इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड ऑन सोलर ग्रिड सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बोला है कि इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि इंडिया पूरी दुनिया को लीड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में, खासकर जब हम लोग यहाँ पे सोलर अलायंस की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे ISA की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, उसमें इंडिया ने लीड किया है। देखो 2015 के अंदर जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट फाइनलाइज हो रहा था, उस समय यहाँ पे इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और यहां पे मेन गोल क्या है, वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। अभी जब रीसेंट मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की, उसके अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला कि जो कंट्री यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर भी आती हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर लेकर आएंगे, ये आगे आने वाला प्रोजेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेंबर कंट्री हैं वो सारी की सारे देश हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे जो कैंसर है उनके यहाँ पे बीच में आते हैं, पार्शियली आते हैं या यहाँ पे फुली आते हैं, सबको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है। और अभी आगे भी इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम इज इन हरियाणा, इसका नाम पहले गुरुगांव था और इसके अंदर यहाँ पे सेंटर है। और ये पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेंटर इंडिया के अंदर बनाया गया है, इसलिए भी ये और भी ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 पे आज आपको खबर मिलती है बाल सभाज टू रिजॉल्व इश्यूज इन रूरल स्कूल्स। तो बेसिकली इट्स अ स्टेट न्यूज़, एक स्टेट न्यूज़ है, यहाँ पे राजस्थान की ये खबर है, बट अगर आप इसे नेशनल लेवल पे सोच के देखो कि देखो चाहे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, उनको यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग आजकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, मोलेस्टेशन की बात करते हैं, ह्यूमिलेशन की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड बच्चों को हमें अवेयर करना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट टीचर स्टूडेंट्स का कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे बच्चों के जीवन में ये भी तकलीफें होती हैं कि आगे वो करियर क्या चुने, आगे जाके वो क्या 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 काम करेंगे, कोई उन्हें तकलीफें हैं तो उन्हें कौन रिजॉल्व करेगा, तो उनके लिए यहाँ पे बाल सभाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे हमारी लोकसभा होती है जहाँ पे लोग मिलके बात करते हैं, हमारे लॉ बनाते हैं देश के यहाँ पे बेनिफिट के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे बाल सभा ऑर्गेनाइज की गई है। एक नया इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का जिससे यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, रिजॉल्व किए जाएंगे इशूज अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जो कि यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर हैं, ओके। तो बाल सभा यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इन सभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, खासकर यहाँ पे विलेज एल्डर्स भी होंगे। तो यहाँ पे इन्हें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, ऐसा नहीं है कि और किसी और जगह पे ऐसा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी पहले हो चुका है सेम टाइप ऑफ चीज़, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ थी ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू रिफॉर्म दी स्कूल्स या जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर हम लोग कैसे और ज़्यादा बेनिफिट डाल सकते हैं, आजकल हम लोग यहाँ पे इनोवेशन एंड रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बच्चों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो बाल सभास हर एक चीज में यहां पे काम आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ, तो यहां पे पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है मेके दत्तू डैम प्लान वायलेट्स सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सेज तमिलनाडु। तो मेके दत्तू डैम के बारे में मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, जो यहां पे केस तमिलनाडु और यहां पे कर्नाटका की सरकार के बीच में चल रहा है, कर्नाटका की सरकार यहां पे एक डिटेल्ड प्लान भी लेकर आई थी यहां पे सेंट्रल वाटर कमीशन के बाद, बट उसके बाद भी कोई बड़ी चीज यहां पे तब सामने आई जब सेंट्रल वाटर कमीशन और यहां पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट यहां पे जो ट्राइब्यूनल है
दोनों के चेयरमैन को एक ही पर्सन को बना दिया गया, ओके, तो दोनों के चेयर एक ही पर्सन कर रहे थे। फिर यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई ये कहने कि यहाँ पर जो कर्नाटक सरकार कर रही है, जिसको यहाँ पे CWC सपोर्ट कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है, और जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी ने जो यहाँ पे एक डिसीजन लिया था उन दोनों के ही यहाँ पे खिलाफ है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन है मेकेदत्तू रिजर्वेयर का, यहाँ पे कावेरी रिवर के ऊपर जो कर्नाटक यहाँ पे कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो फ्लो है यहाँ पे कावेरी रिवर का उसको कम कर देगा, और अगर वो कम हो जाती हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो भी यहाँ पे वायलेट होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा, ओके। तो ऐसा यहाँ पे किसका कहना है, तमिलनाडु का कहना है। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो एक क्लेम कर रही है कि सेंटर के पास एक जिम्मेदारी होती है कि सेंटर यहाँ पे बातचीत करे उन सारी की सारी स्टेट से, चाहे वो कोई प्लान क्रिएट कर रही हो या किसी भी स्टेजेस के अंदर, पर यहाँ पे तमिलनाडु से बात नहीं की गई। यहाँ पे इन प्रिंसिपल क्लियरेंस जब लिया गया इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उस समय तमिलनाडु से बात नहीं की गई, ओके। तमिलनाडु से बात करनी चाहिए थी, यहाँ पे पुडुचेरी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। साथ ही ये बोला गया है कि यहाँ पे जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रिपेयर हुई है, जो कि कह रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक की सरकार कि वो यहाँ पे रिजर्वेयर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, जिससे यहाँ पे लोगों को पीने का पानी मिलेगा और बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि उससे उनके यहाँ पे जो फार्मर्स रह रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल एजेंसीज ड्यूटी बाउंड है कि उन्हें फेयरली एक्ट करना चाहिए, एक रैशनल मैनर में एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो किसी भी चीज को, ठीक है। और यहाँ पे उन गाइडलाइंस को भी इग्नोर किया गया जो कि यहाँ पे कहती हैं कि जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। तो मेकेदत्तू डैम के ऊपर यहाँ पे ये पर्टिकुलर यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो बेसिकली ये न्यूज़ पेज नंबर 5 पे आई है और ये भी एक स्टेट न्यूज़ है, बट जैसे कि आप लोग मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हो, हम इस न्यूज़ को रिलेट करेंगे अपनी पॉलिटिकी बुक से। यहाँ पे SC ST पैनल के बारे में बात हो रही है कि SC ST पैनल ने क्या किया है, एक नोटिस इशू किया है एक तांत्रिक के खिलाफ, और यहाँ पे उनसे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। ये बेसिकली जो केरला की शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है उसने ये नोटिस इशू किया है उस यहाँ पे तांत्री कंदारू राजेवरुरू के खिलाफ, यहाँ पे जो एक रिचुअल क्लीननेस हुआ था आपको याद होगा जब यहाँ पे महिलाएं सबरीमाला टेम्पल के अंदर यहाँ पे एंटर कर गई थी, उसके बाद उस टेम्पल को यहाँ पे पोचा लगाया गया, साफ किया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सब चीज़ें आर्टिकल नंबर 17 के खिलाफ है। आर्टिकल नंबर 17 यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित करता है, ठीक है। तो याद रखना अनटचेबिलिटी से रिलेटेड यहां पे कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 17। यहाँ पे जो हमारी NCST होती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, या वो स्टेट के अंदर होती हैं, उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, उनके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, और उनके पास पावर यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे किसी सिविल कोर्ट के पास पावर होती हैं। इसी वजह से इन सारी की सारी चीज़ों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ भी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोग मेरे से कई बार क्वेश्चन करते हो कि सर ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती हैं। ये वो बॉडीज़ होती हैं जिनके पास कुछ जुडिशरी की पावर भी होती हैं, जैसे यहाँ पे नोटिस इशू कर दिया। इसके अलावा ये क्या कर सकती है, NCST या NC, यहाँ पे जो हमारी SC है वो समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कि वो आओ पेश हो, और यहाँ पे उनको एग्जामिन कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, डिस्कवर करने के लिए कह सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं, यहाँ पे किसी पब्लिक ऑर्डर की कॉपी मांग सकते हैं किसी भी कोर्ट से, याद रखना किसी भी कोर्ट से मांग सकते हैं। यहाँ पे कमीशन इशू कर सकती है कि एग्जामिन करो किसी भी विटनेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट देता है उसको भी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकती हैं। तो ये जो चारी सारी चीजें हैं ये आपके पॉलिटी का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला यहां पे चैप्टर खोलोगे ना, उसके अंदर यहां पे आपको सब जो सेक्शंस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। देखो यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ाने का, क्योंकि मैं न्यूज़ एनालिसिस को तब तक पूरा नहीं मानता जब तक मैं आपको उसके साथ बेसिक्स क्लियर ना कर दूं कि कौन सी न्यूज़ कहां से रिस्पेक्ट में और सवाल कैसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आपको खबर मिलती है, स्टेट्स पुट ऑन हाई अलर्ट एज स्वाइन फ्लू केसेस स्पाइक अक्रॉस द कंट्री। तो स्वाइन फ्लू के जो केसेस हैं देश में हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे 2019 के अंदर जो रिकॉर्ड कायम किया है वो किया है राजस्थान ने। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस स्वाइन फ्लू के हम लोगों को देखने को मिले हैं।
सबसे पहले स्वाइन फ्लू क्या होता है, व्हाट इज स्वाइन फ्लू, तो सबसे पहले ये कि जो स्वाइन जो शब्द होता है वो पिक से रिलेट करता है, इसीलिए इसको यहाँ पे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसको हम लोग जनरली H1N1 इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कंटिग्यूस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जो कि बेसिकली पिक से होती है, और ह्यूमन के अंदर पिक से ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि रेगुलरली यहाँ पे पिक्स के अंदर से यहाँ पे आता है, और स्वाइन फ्लू वायरस डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमंस, नॉर्मली इन्फेक्ट नहीं होते, पर पिछले आप 3 से 5 साल में देखोगे बहुत ज़्यादा जो केसेस की संख्या है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है वैसी ही सिचुएशन होती है, बट बाद में जाके पता लगता है कि यहाँ पे स्वाइन फ्लू हुआ है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो केसेस होते हैं वो तब होते हैं जब यहाँ पे किसी भी लोगों का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है पिक्स के साथ, कोई बच्चे खेलते रहते हैं या जो वर्कर्स होते हैं। हाउएवर देयर हैव बीन केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आप जाओ सबसे पहले राजस्थान पे, तो आप देखो कि राजस्थान को यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है 2019 के अंदर। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा केसेज हैं 789 केसेज, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे 789 केसेस सिर्फ और सिर्फ अभी हमें राजस्थान के अंदर ही देखने को मिले हैं टिल January 13। तो सिर्फ और सिर्फ January 13 की यहाँ पे बात हो रही है, 13 दिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है स्वाइन फ्लू को रिलेट करते हुए। सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है, बहुत सारी यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड यहाँ पे एक खबर थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक खबर मिलती है पेज नंबर 7 पे, एवलांचेस किल 2 इन कश्मीर। तो एवलांचे की वजह से यहाँ पे 2 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पे सवाल हमारे लिए ये शब्द है एवलांचे, तो ये किसका पार्ट है, हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए एवलांचे क्या होता है। एवलांचे का मतलब होता है रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ स्नो रॉक्स या डेब्रिस। तो यहाँ पे जो यहाँ लोग यहाँ माउंटेन होता है और ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी स्नो होती है, यहाँ पे वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस की वजह से, या किसी आर्टिफिशियली भी ट्रिगर हो सकती हैं, तो उनकी वजह से रॉक्स नीचे मूव कर जाती हैं, लैंडस्लाइड की वजह से मूव कर जाती हैं। तो सारी की सारी सिचुएशन को जब रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एवलांचे। तो जनरली जो बड़ा वाला जो एवलांचे होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी नीचे की तरफ आ सकता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है, फॉरेस्ट को उजाड़ सकता है, हाईवेज खराब हो जाते हैं, हाउसेस यहाँ पे हमें उजड़ते हुए नजर आते हैं, पावर लाइंस हमें उजड़ती हुई नजर आती हैं। अगर आपने केदारनाथ वाली मूवी देखी होगी या केस देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वाटर आउटफ्लो हो गया, पर उसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई और यहाँ पे जो रॉक्स थी स्नो थी वो नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे डेब्रिस नीचे की तरफ आ गया, वेस्ट नीचे की तरफ आ गया, उस वजह से घर यहाँ पे तबाह हो गए, पावर लाइंस यहाँ पे ख़राब हो गई। तो उन चीज़ों को इमेजिन करो अपने ब्रेन में यहाँ पे चला के चलो। अब यहाँ पे क्यों होता है, देखो एवलांचे का जो मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, जितना लोड यहाँ पे ज़मीन झेल सकती है उससे ज़्यादा यहाँ पे लोड हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल की वजह से भी हो सकता है। नेचुरली जो एवलांचे ट्रिगर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए या ब्लिजार्ड्स हो जाए स्नो का, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और रेन भी एक कारण हो सकते हैं, और अर्थक्वेक तो सबसे बड़ा और मेजर कारण होते हैं। आर्टिफिशियली यहाँ पे जो लोग स्कीइंग करते हैं, माउंटेनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे उनको ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स हो जाता है। लोग यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो फॉरेस्ट ख़राब हो जाते हैं, फॉरेस्ट की जो रूट होती हैं हमारे जो पेड़ों की जो रूट होती हैं वो कहीं ना कहीं बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, और यहाँ पे वो बाइंडिंग टूट जाती है, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। मशीन नॉइजेस की वजह से, यहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की वजह से, साउंड की वजह से भी वो ट्रिगर हो जाते हैं, एज वेल एज जो सोनिक बूम्स होते हैं उसकी वजह से भी हमें अवलांचेस ट्रिगर होते हुए नज़र आते हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूज़ नहीं थी, बट उस न्यूज़ का जो एक शब्द था वो ज्योग्राफी का पार्ट था, तो आई थॉट कि आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पढ़ा दी जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की अगली न्यूज़ की तरफ। ILO के बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। आपके लिए इंटरनल क्वेश्चन आज का यही है कि आपको मेरे को ILO के बारे में बताना है। इकलौती ये ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो ILO अर्जेस यूनिवर्सल लेबर गारंटी। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही थी दावोस के अंदर, आपको याद होगा मैंने बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग दावोस के अंदर होती है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा के अंदर है। ये बेसिकली यहाँ पे जो ILO है
वो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स भी सेट करती है। उसने यहाँ पे बोला है कि जितने भी देश हैं उनको यूनिवर्सल लेबर गारंटी की तरफ कमिट होना चाहिए, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की तरफ कमिट होना चाहिए, चाहे कोई बच्चा पैदा हो रहा हो या वो सबसे बुजुर्ग वाली एज में हो, सबके यहाँ पे बीच में हम लोगों को यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन के आगे जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये चीज़ बात की गई कि यहाँ पे हमारे सामने एक गवर्नेंस सिस्टम आना चाहिए, जिस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से गवर्नेंस सिस्टम आना चाहिए। और लेबर फोर्स तो किसी भी चीज में हो सकती है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो या वो रियल एस्टेट के अंदर हो। यहां पे बेसिकली रिलीज करी एक रिपोर्ट यहाँ पे आईएलओ ने, और यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वर्क नाम की यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज करी। याद रखना, फ्यूचर ऑफ वर्क कौन निकालता है? आईएलओ निकालती है। उसका वो अपना सैनिटरी ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही थी। उन्होंने बोला है कि विदाउट डिसीजिव एक्शन वी विल बी स्लीप वॉकिंग इन टू द वर्ल्ड दैट वाइडन्स इनइक्वालिटी। अगर आप कोई सही डिसीजन नहीं लोगे तो देखो, ये बिल्कुल आपके लाइफ जैसी बात है। अगर आप लाइफ में सही डिसीजन नहीं लोगे तो आप लोग उसी तरीके से चलोगे जैसे सोते हुए इंसान चलता है, ठीक है? तो उसमें मतलब कोई दिशाहीन चलोगे। तो वही बोला है कि अगर डिसीजिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक दिशाहीन देश की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिशाहीन दुनिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उस दुनिया के अंदर क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे लोगों को एक्सक्लूड भी कर दिया जाएगा, और यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिपरकशन भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आईएलओ ने इस रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी कि यहाँ पे 190 मिलियन पीपल पूरी की पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है, याद करना। तो यहाँ पे 190 मिलियन पीपल जो है पूरी दुनिया में वो अनएम्प्लॉयड है, 300 मिलियन जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली कंडीशन में रहते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएलओ। वेज गैप्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप देखोगे मैन और वुमेन के बीच में वेज गैप्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे ग्रोथ भी डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। साथ ही 2/3 ऑफ द जॉब्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर इन ऑटोमेशन, तो जो 2/3 ऑफ द यहाँ पे जॉब्स हैं वो ऑटोमेशन के अंदर हैं। 15% ऑफ द हाउस होल्ड इन एमर्जिंग कंट्रीज हैव इंटरनेट एसेस, तो सिर्फ और सिर्फ 15% ही हाउस होल्ड के पास इंटरनेट एसेस है। तो अगर आपके पास इंटरनेट एसेस है तो आप उन 15% में आते हो। और क्लाइमेट के चेंज वाला जो हमें एजेंडा अगर अचीव करना है तो हम लोग क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। और रिपोर्ट के अंदर ये भी बोला गया था कि अगर हम लोग उसे अचीव कर लेते हैं तो 24 मिलियन नई जॉब्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, एज वेल एज GDP में भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इन सच अ सिचुएशन आईएलओ ने बाकी सारे देशों के बोला है कि लोग साथ में आए, साथ में मिलजुल के काम करें यहाँ पे एज अ सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, ओके, और यहाँ पे इंश्योर करें कि फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय ह्यूमन बीइंग। कोई हम लोग इतना बड़ा डिसीजन लें जिससे आगे आने वाला जो फ्यूचर हो, हमारा फ्यूचर जनरेशन हो, उनके लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकें। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 7 पे ही आपको खबर मिलती है, तमिलनाडु डिसेबिलिटी लिमिट फॉर जुडिशियल पोस्ट अप हेल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तमिलनाडु की पब्लिक सर्विस कमीशन का एक प्रपोजल था कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जो सिविल जजेस की जो जॉब निकली थी, उनके अंदर सिर्फ उन्हीं डिसेबल लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाए जज बनने का जिनके अंदर यहाँ पे 40-50% पार्शियली ब्लाइंड हैं या पार्शियली डेफ हैं। तो यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ यहाँ पे जो लोग थे जिनके अंदर 70% डिसेबिलिटी थी, जो ब्लाइंड थे यहाँ पे ब्लाइंड कैटेगरी के अंदर, उन्होंने केस लगाया और सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को सही माना है जो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% के विजुअल ऑडियो इम्पेयरमेंट को हम लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिमिट तक ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बोला है कि जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट वायलेट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अगर कोई जज होता है जिसे एक रैशनल रीजनेबल डिसीजन लेना है, हम ये भी चाहते हैं कि वो उसको रीजनेबली यूज कर सके अपने सेंसरी फैकल्टीज का टू एफिशिएंट फंक्शन इन द ऑफिस। तो एक ऑफिस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एज अ जज की, उसको यहाँ पे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है कि बिल्कुल जो लिमिटेशन लगाई गई थी वो सही थी और वो वायलेट नहीं करती है यहाँ पे दिव्यांगजन के राइट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ पेज नंबर 10 पे अब हम लोग आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट टू टेक इन चैम्बर डिसीजन ऑन आर्टिकल 35A प्ली।
तो सबसे पहले इन चैम्बर का मतलब क्या होता है, इन चैम्बर का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे जो जजेस होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके रूम्स को हम लोग चैम्बर बोलते हैं, उनके ऑफिशियल रूम्स को हम लोग चैम्बर बोलते हैं, जजेस के भी और एडवोकेट्स के भी, पर यहाँ पे जजेस के बारे में बात हो रही है। तो वो यहाँ पे इन चैम्बर डिसीजन लेंगे, मतलब ओपन कोर्ट में कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इन चैम्बर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, एक रूम के अंदर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि आर्टिकल 35A की प्ली के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठानी चाहिए है या नहीं बिठानी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, इन चैम्बर डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 35A क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल राइट देता है टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो हैं उनको कुछ स्पेशल राइट यहाँ पे मिलते हैं, और बाकी जो लोग हैं बाकी सारी स्टेट्स को उनको यहाँ पे डिसअलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे कोई भी घर नहीं खरीद सकते, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते, यहाँ पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते, उसको यहाँ पे रिलेट करता है आर्टिकल 35A। इसके साथ साथ अगस्त 2018 के अंदर कोर्ट ने इस चीज़ को हेल्ड किया था कि जो क्वेश्चन है 35A का, ठीक है, इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसी कंसीडरेशन के रूप में ही यहाँ पे अब बोला गया है कि उसके ऊपर कोई बेंच बैठेगी या नहीं बैठेगी, उसके अंदर हम लोग इन चैम्बर डिसीजन सुनाएंगे। सभी जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 35A के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, इट वॉज इनकॉपरेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी इन 1954। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने 1954 के अंदर एक यहाँ पे ऑर्डर निकाल के आर्टिकल 35A को यहां पे वैलिड दिया था ऑन द एडवाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट, और यहां पे पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया गया, और पार्लियामेंट का कंसल्टेशन जरूरी है। आप देखोगे हमारा जो आर्टिकल 368 है जो कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उसमें सारी की सारी पावर यहां पे पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो इन सब चीजों से रिलेट करते हुए यहां पे केस क्या है, यहां पे बताया कि 3 judges बेंच विल डिसाइड वेदर और नॉट टू रेफर द इशू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास केस जाता है या नहीं जाता है, यहां पे 3 judges बेंच डिसाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ, यहाँ पे इन ब्रीफ वाले सेक्शन में आपको 3 खबरें मिलती हैं। पहली न्यूज है यहाँ पे PM टू इनॉग्रेट बोस म्यूजियम टुमारो, तो यहाँ पे जो रेड फोर्ट है उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का एक म्यूजियम खोला गया है, और यहाँ पे वेडनेसडे को, मतलब आज यहाँ पे ओपन किया जाएगा इसे, क्योंकि आज 122nd बर्थ एनिवर्सरी भी है सुभाष चंद्र बोस की, टू मार्क दी लीडर्स 122nd बर्थ एनिवर्सरी। और यहाँ जो म्यूजियम है ये बोस जी के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए डेडिकेटेड है, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर आप रेड फोर्ट विजिट करो तो जरूर जाना, और मुझे भी जरूर बताना कि जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ दूसरी न्यूज, इंडिया एंड अफ्रीका जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन मार्च, तो यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका मिलकर करेंगे एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है द इंडिया अफ्रीका FTE फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2019। और ये कहाँ होगा, ऑन द मिलिट्री स्टेशन एंड कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे के अंदर होगा मार्च में। इसके साथ साथ करतारपुर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कल करतारपुर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, उसके अंदर कुछ हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट हम लोगों के सामने रख दिया, एग्रीमेंट सामने रख दिया, यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया ने इन्वाइट किया है पाकिस्तानी डेलीगेशंस को कि आओ बातचीत करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर को किस तरीके से आगे लिया जाए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे, आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ मिलती है, चाइना कैरीज आउट ओवरहॉल ऑफ मिलिट्री, तो यहाँ पे चाइना के मिलिट्री के बारे में बात हो रही है। बेसिकली इन शॉर्ट चाइना क्या कर रहा है, चाइना के अंदर जो यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी संख्या चाइना कम करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसे काफ़ी हद तक यहाँ पे चाइना बढ़ा रहा है। तो चाइना इज़ इन कोर्स टू ओवरहॉल इट्स मिलिट्री बाय पंपिंग इट्स टेक्नोलॉजी एंड कटिंग डाउन दी पर्सनल्स, टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा डाल रहा है और यहाँ पे जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। टू एनेबल इट्स लर्नड आर्म्ड फोर्सेज टू प्रोजेक्ट पावर फार बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स, यहाँ पे अपनी जो पावर है वो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के अंदर लिंक करके अपनी आर्मी को डेवलप करने की यहाँ पे चाइना कोशिश कर रहा है। यह आर्टिकल इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया को भी उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोगों को आगे किस तरीके से बढ़ना है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर डिटरेंट को। और यहाँ पे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, बॉम्बर्स होता है जो कि खुद यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं एटॉमिक वेपन्स, यहाँ पे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आप देखोगे चाइना का जो टाइप 094 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि यहाँ पे इन्फोर्स 2010 के अंदर आई थी, उनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 8 करने की चाइना बात कर रहा है 2020 तक। तो यहाँ पे जिनजुआ की रिपोर्ट इस चीज़ के बारे में भी सिग्नल कर रही है कि जो नेवी है, एयरफोर्स है, रॉकेट फोर्सेस हैं या स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्सेस हैं जो कि हैंडल करती हैं जैसे साइबर वॉरफेयर जैसी चीज़ें, वो कंप्राइज करती हैं मोर देन हाफ ऑफ चाइनाज आर्म्ड फोर्सेज। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो एंटायर चेन है कमांड की पीपल लिबरेशन आर्मी की, तो उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, हैज़ बीन चेंज टू एनेबल द इंटीग्रेटेड वॉरफेयर ऑफ ऑल कम्बैट यूनिट्स। और यहाँ पे इसको स्टेयर किया था एक जॉइंट ऑपरेशनल चीफ ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने कि यहां पे चाइना कोशिश कर रहा है कि जितने भी सारे पर्सनल्स हैं उनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंटीग्रेट कर दें। साथ ही आप देखोगे जो आर्मी का जो शेयर है टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स इन द मिलिट्री के अंदर वो 50% से यहां पे गिर गया है, हैज फॉलन बिलो टू 50%। और यहां पे जो नंबर ऑफ एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स हैं नॉन कॉम्बैट इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो यहां पे नियरली हाफ हो गए हैं, और जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं वो भी 30% से यहां पे कम हो गए हैं। मेन यहाँ पे 2013 के नवंबर के अंदर यहाँ पे एक रिफॉर्म चालू किए थे अपनी आर्मी के अंदर चाइना ने, होलिस्टिक एंड रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स, उसके अंदर ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। या जो रिपोर्ट ने इस चीज़ को सामने रखा है कि बीजिंग जिस तरीके से क्या कोशिश कर रहा है कि ताइवान बीजिंग के अंदर आ जाए एज वन कंट्री टू सिस्टम बेसिस। देखो वन कंट्री टू सिस्टम बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे आप हांगकांग का एग्जांपल लो, 1997 के अंदर हांगकांग यहाँ पे चाइना का पार्ट बना, बट हांगकांग अगर आप जाते हो चाइना विजिट करने के बाद तो आपको अलग से यहाँ पे वीज़ा लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब वो है तो एक कंट्री पर वहाँ पे सिस्टम है दो, ओके। तो सेल्फ गवर्निंग यूनिट वर्क करती है हांगकांग के अंदर। सिमिलरली ताइवान आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, चाइना कहता है वो हमारा पार्ट है पर ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट ही रखना चाहता है। इसके ऊपर भी पिछले महीने बहुत सारे यहाँ पे केसेस हुए थे। सदी चाइना का जो मेन इंटेंट ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे यहाँ पे कम कर दिया जाए और टेक्नोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उसे बढ़ा दिया जाए। इस चीज़ को आप याद रखना कि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया को भी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट अपने टेक्नोलॉजी के अंदर करना चाहिए कि हम भी अपनी आर्म फोर्सेस को उतना ही बेहतर बना सकें। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13, इकोनॉमी वाला सेक्शन, सेंट्रल्स डेट टू जीडीपी फॉल्स स्टेट्स राइजेस। ये न्यूज़ मैंने आपके साथ कल ही डिस्कशन में ले ली थी बट एक बारी और इस न्यूज़ के बारे में जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट्स डेट फॉर 2017-18 हमारे सामने आया है, और यहाँ पे जो एनके सिंह जी की जो कमेटी थी, जो यहाँ पे एफआरबीएम की कमेटी थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की जो यहाँ पे रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट के से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है जो ये रिपोर्ट चाहती थी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, बट अगर स्टेट्स की बात करें वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब हुई है। यहाँ पे जो एफआरबीएम की जो कमेटी थी उसने क्या रिपोर्ट दी थी, यहाँ पे बोला था कि जो रेशियो होना चाहिए यहाँ पे डेट टू जीडीपी का वो 40% होना चाहिए सेंटर के लिए और 20% होना चाहिए स्टेट के लिए, और 2023 तक हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। मतलब कंसोलिडेटेड देखें तो वो 60% होना चाहिए डेट लिमिट वाला, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी रेटिंग अच्छी हो जाएगी और रेटिंग एजेंसीज भी हम लोगों को पॉजिटिव रिव्यू देना चालू कर देंगी। बट यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर आप देखो कि हमें डेवलपमेंट क्या देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस रिपोर्ट द सेंटर्स टोटल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो रिड्यूस हुआ है 46.5% हुआ है 2017-18 के अंदर, और मार्च 31st 2014 के अंदर वे 47.5% था। तो यहाँ पे आप देखो 47.5% था, अब इसको यहाँ पे कम करके 46.5% पे हम लोग लेकर आए हैं। बट अगर आप स्टेट्स के साथ कंपेयर करोगे, स्टेट्स का 22% था और वो यहाँ पे बढ़ गया है 24% हो गया है। मतलब जो स्टेट्स हैं वो साथ नहीं दे रही हैं। अब देखो इससे रिलेटेड जो कल मैंने आपके साथ न्यूज डिस्कशन में ली थी, ये यस्टरडे की न्यूज, वो ये थी बिहार आउटग्रो अदर्स इन फिस्कल ईयर 2018 फॉर दी जीडीपी। यहाँ पे जीएसडीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सबसे बीच वाला जो पॉइंट था जो मैंने आपको कल बताया था
उसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि जो FRBM एक्ट है उसने स्टेट्स को हेल्प किया है, बट रीसेंट ट्रेंड ये कह रहे हैं कि वो स्लिप कर रही हैं। रीज़न क्या है, क्यों स्टेट्स फॉलो नहीं कर पा रहे? रीज़न नंबर वन, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने पड़े। रीज़न नंबर टू, जो स्टेट गवर्नमेंट नई नई आती हैं फार्म लोन वेव ऑफ कर देती हैं। रीज़न नंबर थ्री, यहाँ पे जो पे कमीशन की हाइप हुई है, 7th पे कमीशन सामने आया है, तो स्टेट्स को भी यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं। तो तीन रीज़न है, अपने बिल्कुल ब्रेन में यहाँ पे नोट डाउन आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ गए हैं स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे पेज नंबर गलत है, कोई बात नहीं। तो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ में यहाँ पे ICC ने कुछ बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स की अनाउंसमेंट करी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तीन बड़े बड़े अवार्ड्स को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने ही यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे जो विराट कोहली को जो अवार्ड्स मिले हैं, नंबर वन वो है यहाँ पे ICC टेस्ट प्लेयर, यहाँ पे ODI प्लेयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2018। ये तीनों अवार्ड यहाँ पे विराट कोहली ने जीते हैं। इसके अलावा ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे ऋषभ पंत को मिला है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे फैंस मूवमेंट ऑफ द ईयर भी यहाँ पे इंडिया की टीम को मिला है, इंडियाज ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हम लोगों ने जीता। इसके साथ साथ आप देखोगे ICC की जो मेन्स टेस्ट टीम है उसके अंदर आप देखोगे विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया है, ऋषभ पंत की यहाँ पे एंट्री है एज विकेट कीपर, और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को यहां पे रखा गया है। ICC मेंस ODI टीम की अगर हम लोग बात करें उसमें रोहित शर्मा को रखा गया है, विराट कोहली उसमें भी यहां पे कैप्टन है, यहां पे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है। तो ये चीज याद रखना, अगर आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज आती है, तो आपको ICC के बारे में पता होना चाहिए। और विराट कोहली और ज्यादा सेंचुरी मारें, देश को और ज्यादा जिताएं, अभी तो वो न्यूजीलैंड की ट्रिप पर हैं। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जो शुरू में मैंने आपसे पूछा यहां पे इंडिया एंड द UNHCR से रिलेट करते हुए, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट थी, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर तो कर दिया होगा। यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट थी वो करेक्ट स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। याद रखना तीसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्यों गलत है वो आपको कम्युनिटी टैब में शाम में पता लग जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A1 and 2 ओनली। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन मुझे बता सकते हो लाइक का बटन दबाकर, कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार जरूर यहाँ पे ड्रॉप करना, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज एंजॉय करके पढ़ो। ओके, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड एंजॉय योर लाइफ।